हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है पूरा, जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पर मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज़ दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर काउंटर्स। एज आई सेड, काउंटर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज काउंटर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू काउंट द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर डन सो फार, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन काउंट। आप काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, मे बी अकॉर्डिंग टू सम काइंड ऑफ काउंटिंग यू कैन परफॉर्म सम एक्शन। जैसे आप कह सकते हैं इफ देर आर 7 टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, देन मे बी आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। जैसे हमें कुछ एडिशन को परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करना, मे बी यू विल सी दैट ईच ऑफ दीज ऑपरेशन विल टेक सम क्लॉक पल्सिस। मे बी इन सम सिस्टम से एडिशन ऑपरेशन कैन टेक 3 क्लॉक पल्स एंड सो ऑन। सो यू हैव टू काउंट, एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर काउंटिंग यू हैव टू परफॉर्म सम एक्शंस। अब जैसे यहाँ पर एक डायग्राम आपको शोड है, सो यू कैन सी इट हियर। सो अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ काउंटर विच इज काउंटिंग समथिंग। तो हम लोग काउंटर से कुछ काउंट कर सकते हैं, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। ये जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली हमें इतना ये चीज़ें नहीं स्टडी करनी है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी इट, राइट? सो बट स्टिल आई हैव क्रिएटेड दिस जस्ट टू रिप्रेजेंट कि हम काउंटर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग फ्लिप फ्लॉप्स, एंड बेस्ड ऑन दिस फ्लिप फ्लॉप्स वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ लॉजिक, वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ सर्किट दैट कैन रिप्रेजेंट द काउंट ऑन द वॉच। तो इस तरीके से ऑब्वियसली जो काउंटर्स है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज होते हैं। वट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ काउंटर? वी हैव बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ काउंटर। फर्स्ट इज योर सिंक्रोनस काउंटर, एंड सेकेंड वन इज योर असिंक्रोनस काउंटर। तो जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू मेक नोट्स फॉर देम। तो आपके पास दो तरह के काउंटर्स है, पहला आपके पास है सिंक्रोनस काउंटर, दूसरा है आपके पास असिंक्रोनस काउंटर। फर्दर दीज सिंक्रोनस काउंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर रिंग काउंटर एंड सेकेंड वन इज योर जॉनसन्स काउंटर। इन द सेम वे दीज असिंक्रोनस काउंटर्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज योर अप काउंटर एंड सेकेंड वन इज योर डाउन काउंटर। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है और सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। आई मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, सो सिंक्रोनस काउंटर मीन्स वेयर द काउंटर्स ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड विद द सेम क्लॉक पल्स। जैसे देखो, मैं सबसे पहले आपको सिंक्रोनस काउंटर का डायग्राम समझाता हूँ। सो दिस इज फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, any flip flop you might be using, maybe you are using a T flip flop, and this is your second flip flop, okay? This is also a T flip flop, this is your third flip flop, this is also a T flip flop, okay? And we are giving same input to all of these flip flops, और इन सभी flip flops के अंदर ये जो ये है, ये हमें I think input show कर रहा है, I can represent in this manner. So this is your input, this is your input. You are giving same input to each of these T flip flops, और यहाँ पर जो clock pulse हैं, so you are giving same clock pulse to all of these flip flops. So basically, जब हम synchronous counter की बात करते हैं, in synchronous counter, the clock is common.
यहाँ पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में, जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. सो एक ही डिफरेंस है, द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ सिंक्रोनस वी गिव द कॉमन क्लॉक पल्स. सभी को जो क्लॉक पल्स है वो कॉमन दी जाती है. आई मीन वी यूज सम फ्लिप फ्लॉप्स टुगेदर और द क्लॉक पल्स टू द फ्लिप फ्लॉप इज कॉमन. एंड व्हेन वी यूज असिंक्रोनस, अगर हम यहाँ पर असिंक्रोनस की बात करेंगे, सो व्हाट इज द असिंक्रोनस काउंटर. असिंक्रोनस का मतलब क्या है, इन केस ऑफ दिस असिंक्रोनस द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप बिकम्स द क्लॉक टू द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप. आउट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप बिकम्स द क्लॉक टू द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि इस टी फ्लिप फ्लॉप का जो भी आउटपुट है, फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट इज क्यू, आई हैव गिवन दिस क्यू आउटपुट टू दिस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एज ए क्लॉक. हमने अगले फ्लिप फ्लॉप को इस आउटपुट को एज ए क्लॉक दिया. एंड मे बी यू कैन सी दैट वी कैन गिव सेम इनपुट, आप सेम इनपुट को यहाँ पर दे सकते हैं. सो यू कैन सी आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप बिकमिंग अ क्लॉक टू द सेकेंड, आउटपुट ऑफ अनदर फ्लिप फ्लॉप बिकमिंग अ क्लॉक टू द थर्ड फ्लिप फ्लॉप. सो आई मीन इन दिस वे यू कैन कनेक्ट देम. तो जब भी अगर आपके पास, अगर मैं सिंपली आपसे ये बोलने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर मीन्स, देखो सिंपली हम इनपुट की बात नहीं कर रहे, बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनपुट्स. इन सिंक्रोनस मीन्स ऑल ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप विल वर्क टूगेदर इन अ सिंक्रोनाइजेशन मैनर. कैसे, इफ वी कनेक्ट ऑल ऑफ देम टू द सेम क्लॉक पल्स, यानी कि जब भी एक ही क्लॉक पल्स आएंगे तभी सभी काम करना स्टार्ट करेंगे. दिस इज योर सिंक्रोनस. एंड वेन वी टॉक अबाउट असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मीन्स दे विल नॉट वर्क टुगेदर. ऐसा हो सकता है कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को डिराइव कर रहा है, और सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप को डिराइव कर रहा है. इन दिस मैनर इट कैन हैपन. तो ऐसा कुछ हमारे पास हो सकता है. जस्ट रीड द डेफिनेशन, वेन द काउंटर इज क्लॉक्ड सच दैट ईच फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर इज ट्रिगर्ड एट द सेम टाइम. हर काउंटर में अगर हर एक फ्लिप फ्लॉप एक ही टाइम पर ट्रिगर होगा तो उसको हम सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं. असिंक्रोनस मीन्स इट इज बाइनरी असिंक्रोनस और रिपल काउंटर कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ कनेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप्स विद द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द नेक्स्ट हायर ऑर्डर. यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उस आउटपुट को आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर देते हैं एज ए क्लॉक पल्स. द फ्लिप फ्लॉप होल्ड्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिसीव्स द इनकमिंग क्लॉक पल्स. यानी कि जो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप होता है, जो सबसे इनकमिंग बिट लेता है, सो आई मीन जो सबसे पहली बिट को लेता है और कहें सबसे पहले क्लॉक पल्स को लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए बिकॉज दिस डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डिफरेंस को हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. ओके, सो व्हेन यू हैव अ काउंटर विच इज़ एन असिंक्रोनस काउंटर. देखो असिंक्रोनस का मतलब क्या है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन. इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा. फर्स्ट लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इन केस ऑफ सिंक्रोनस, इन दिस टाइप देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द आउट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द क्लॉक इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. यानी कि पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है अगले फ्लिप फ्लॉप के से उसका कोई कनेक्शन नहीं है. द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल नॉट बी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट. एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट से दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. आई मीन इन टर्म्स ऑफ क्लॉक, राइट, एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक नहीं बनेगा. ओके, नेक्स्ट. सिंक्रोनस में इन दिस टाइप ऑफ काउंटर्स द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप डराइव्स द क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. यानी कि जो आपका पहला फ्लिप फ्लॉप है, जो भी पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो आपके अगले फ्लिप फ्लॉप यानी कि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की पल्स को डराइव करेगा. ओके, यानी कि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बनेगा. नेक्स्ट, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक साइमल्टेनियसली इन सिंक्रोनस. जितने भी फ्लिप फ्लॉप है वो एक ही क्लॉक पल्स से डराइव होंगे, तो यानी कि वो साइमल्टेनियसली क्लॉक होंगे, यानी कि वो एक साथ काम करेंगे. बट इन केस ऑफ असिंक्रोनस दे आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली. पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उससे दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स ड्राइव होगी, और उसमें फिर ये मैटर करेगा कि जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है, किस तरह का फ्लिप फ्लॉप है उससे वो उसका जो बिहेवियर है वो ड्राइव होगा. आई विल डिस्कस अबाउट दैट बिहेवियर इन सम टाइम. नेक्स्ट, इन केस ऑफ सिंक्रोनस द डिज़ाइन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट एज नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीजेस. And here the circuit is very simple even for more number of states. We will understand कि state का मतलब क्या, अभी थोड़ा सा time के बाद हम लोग इसको explain करने की कोशिश करेंगे.
As clock is simultaneously given to all the flip-flops, there is no problem of propagation delay. Hence, they are high-speed counters and are preferred when number of flip-flops increases in the given design. And the main drawback of these counters is that they are low speed as the clock is propagated through the number of flip-flops before it reaches the last flip-flop. So basically, जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं, सिंक्रोनस में बिकॉज हम सभी फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक पल्स से डिराइव करते हैं, तो आपका इनपुट देने से लेकर आउटपुट जो जनरेट होगा वो बहुत क्विकली बहुत फास्ट जनरेट हो जाएगा. बट इन एन असिंक्रोनस काउंटर, इफ यू गिव सम इनपुट नाउ, बिकॉज ईच ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आई मीन द क्लॉक पल्स ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, समटाइम्स आफ्टर गिविंग इनपुट टू टेक आउटपुट इट विल टेक सम टाइम. इनपुट देने से आउटपुट देने तक हमारे पास कुछ टाइम हो सकता है. आई विल डिस्कस दैट, मैं इसको थोड़ा सा अभी समझाऊंगा. डोंट वरी व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग थ्योरी, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो मैं थ्योरी में बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा उसको समझने की कोशिश करो. अगर नहीं भी समझ आता डोंट वरी, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक ईच ऑफ दिस थ्योरी एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. I'll try to take numericals, I'll try to make it more practical, and then if you come back to the theory part, you will understand ki theory to bahut easy thi. Sometimes if you do not know the concept, to aapko jo theory hai wo difficult lagti hai. Okay, next concept is the modulus of a counter. Modulus means how many numbers it can count. For example, if I say the flip-flop is mode 4 counter, mode 4. So mode 4 means it can count up to 4, जैसे 0, 1, 2, 3, right? These are 4 numbers. If I say mod 8 counter, that means it can count up to 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? Not 8, 0 to 7. 0 से लेकर 7 तक count करेगा, because 0 to 7 means there are total of 8 states. So, whatever the numbers, जितना भी counting करेगा, we can represent all of them in the form of a state. तो हम उसको एक स्टेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे लेट अस सपोज वी हैव अ मॉड 8 काउंटर. हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ मॉड 8 काउंटर. लेट अस अज्यूम वी हैव अ मॉड 8 काउंटर एंड दिस इज सम हाइपोथेटिकल काउंटर. हाइपोथेटिकल मींस दैट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज काइंड ऑफ इमेजिनरी. सो दिस मॉड 8 काउंटर विल काउंट 0, फ्रॉम 0 इट विल काउंट 1, फ्रॉम 1 इट विल काउंट 2, फ्रॉम 2 इट विल काउंट 3, फ्रॉम 3 इट विल काउंट 4, फ्रॉम 4 इट विल काउंट 5, from 5 it will count 6, from 6 it will count 7, and again from 7 it will count from 0. So basically yahan par ye jo countings hai, each of these countings is representing a state. So this is 0 as count, so state number 0, state number 1, state number 2, state number 3 and state number 4 and so on. To jitna bhi ye states aapke loop ke andar aati hai, so whatever number of states are present in the loop, so that represents the modulus of the counter. So if the counter is a mod 8 counter, that means here we are going to have 8 states. If the counter is a mod 4 counters, that means here we are going to have 4 states. If the counter is mod 3 counters, that means there is going to have 3 states here. So, jo counter kitni states ko count karega, usko hum log bolte hain counter ka modulus. Okay, abhi tak sabhi jo concept hai aapke liye ek tarike se, all of these concepts are imaginary concepts, aapko nahi samajh aayega. I'll take few examples. फर्स्ट लेट मी कवर द बेसिक डेफिनेशंस, और इन बेसिक डेफिनेशंस को कवर करने के बाद आई विल ट्राई टू कवर द कॉन्सेप्ट्स. ओके, राइट नाउ इनिशियली आई एम जस्ट कवरिंग द बेसिक डेफिनेशंस. वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशंस, देन वंस आई टेक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ देम, दीज डेफिनेशंस विल बिकम मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. तो सब कुछ हम बहुत अच्छे से करेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट, फ्री रनिंग एंड सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर. A counter is said to be free running if it contains all the possible states in the counting loop. यानी कि जितनी भी states exist करती है वो अगर एक ही loop के अंदर है तो जो counter है वो free running है. और self starting means a counter is said to be self starting if it is possible to enter the counting loop irrespective of the initial state. यानी कि आप किसी भी state पर हो, उस state से अगर आप counting loop तक enter कर सकते हो तो उसको बोलेंगे self starting. I'll take few examples. ठीक है, जैसे सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब क्या, आई टेक फ्यू एग्जाम्पल. वंस आई गो विद फ्लो, मैं आपको एक काउंटर को रिप्रेजेंट करता हूँ. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ऑफ अ काउंटर. वंस आई गो विद द फ्लो आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. तो लेट अस टेक पॉज इन दिस वीडियो बिकॉज आई कवर्ड फ्यू थ्योरी. तो आई थिंक ये सभी थ्योरी है जो है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही होगी. लेट मी टेक वन और टू मोर एग्जाम्पल्स, उससे आपको सभी थ्योरी और ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाए, क्लियर होगी. ठीक है, so as I promised you that I will take one example of a counter and then I will explain you all of these terminologies with one example. तो जो भी हमने थ्योरी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, वट एवर
a theory we have studied in the previous video. We are going to see an example for all of those theory. We'll try to understand ki sabhi theory ka matlab kya hai. Okay? So here you can see this is a synchronous counter. Jo counter hai hamare paas, ye ek synchronous counter hai. Why it is a synchronous counter? Because each of these flip-flops are derived using the same clock pulse. तो दोनों जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक ही क्लॉक पल्स से डिराइव्ड है एंड यू कैन सी सो दिस क्लॉक पल्स इज योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और कैन सी दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स नाउ इन दिस केस यू कैन सी दैट दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज दिस इज ऑल्सो अ डी फ्लिप फ्लॉप एंड लेट अस अज्यूम दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ठीक है अब देखो यहाँ पर इस काउंटर के अंदर करंटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज आउटपुट्स यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ए आई डोंट नॉट नो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ए आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू बी यानी कि क्यू ए आउटपुट की वैल्यू क्या होगी और क्यू बी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी करंटली आई हैव नो आइडिया सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स आई विल ट्राई टू एज्यूम ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी एंड देन आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेट्स ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज टू फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टुगेदर दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम क्लॉक पल्स सो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो ए रजिस्टर बट इट इज ऑल्सो ए काउंटर बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ काउंटिंग ये जो रजिस्टर्स हैं दीज रजिस्टर्स आर कैपेबल ऑफ काउंटिंग दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर्स ओके सो लेट मी टेक अ फ्यू एग्जाम्पल हियर नाउ इन दिस केस वी हैव क्यू ए एंड क्यू बी सो दिस क्यू बी इज रिप्रेजेंटिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस क्यू ए इज रिप्रेजेंटिंग योर और कैन से डी ए इज रिप्रेजेंटिंग योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट So I'm going to represent them in this manner. I'm going to write QA here and I'm going to write QB here. Okay. And here I'm going to represent, this is the present state. Hum yahan se represent karenge ki ye iski present state hai. Now what do I really mean to say by present state? Present state ka matlab kya hai? What do I mean when I say that this is the present state? So present state means what is the current value of QA and QB? इस समय पर क्यू ए और क्यू बी की करंट वैल्यू क्या है एंड व्हेन आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट स्टेट दैट मीन्स आफ्टर वन क्लॉक पल्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी ओके सो आई कैन टेक एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिकॉज राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज देयर प्रेजेंट वैल्यू सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक देयर यू नो सम रैंडम वैल्यूज सो 00 01 10 and 1 दिस इज द प्रेजेंट स्टेट एंड नाउ आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी So the next state for QA as well as the next state for QB. If you look at it here, I'm using a D flip-flop. Hum yahan par D flip-flop ka use kar rahe hain. In a D flip-flop, whatever input you give, you will get exactly the same output. Aap D flip-flop ke andar jo bhi input denge, aapko exactly same output hi yahan par milega. Jaise here, in this DA, the input is QB. So whatever the value of QB, That will be the value of QA next. जो भी आपके यहाँ पर QB की वैल्यू है वो आपके पास QA next की वैल्यू होगी In the same way, here I'm giving QA complement. So this QA complement is given as an input to this D flip flop. So what is the value of QA complement? That will become the value of DB. And then that will become the value of QB. जो वो है वो QB की वैल्यू बनेगी So that means I can say, so this is representing QB next and this is QA next. मैं इसको यहाँ से QB next और QA next से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सो इफ आई से वी हैव QB next. अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर QB next है सो यू कैन सी इन दिस QB, बट यू गिव एज ए इनपुट अब यहाँ पर इनपुट क्या देते हैं यू गिव DB एज ए इनपुट सो बिकॉज इट इज अ डिलेड फ्लिप फ्लॉप वट एवर इनपुट यू गिव इन अ D फ्लिप फ्लॉप यू विल गेट द सेम आउटपुट D फ्लिप फ्लॉप में आप जो भी इनपुट देंगे आपको सेम आउटपुट मिलेगा राइट तो यहाँ पर QB next की वैल्यू कितनी होगी जो कि आपकी DB की वैल्यू होगी एंड व्हाट विल द वैल्यू ऑफ DB DB विल बी इक्वल टू QA कॉम्प्लीमेंट जो DB है वो QA कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू QA कॉम्प्लीमेंट ओके इन द सेम वे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QA तो आपकी जो QA next की वैल्यू क्या होगी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QA next So in this QA, the value of QA will be equal to the value of DB. DA. Iski jo value hai, wo DA ke equal hogi. And what is the input to DA? DA ka input kya hai aapke paas? QB. DA ka input hai aapke paas QB.
यानी कि जो इस समय पर प्रेजेंट स्टेट वैल्यू है क्यूबी की, दैट विल बिकम द नेक्स्ट स्टेट वैल्यू ऑफ क्यूए. तो क्यूबी की जो प्रेजेंट स्टेट वैल्यू है वो क्यूए की नेक्स्ट स्टेट वैल्यू बनेगी. दैट मीन्स दिस नेक्स्ट स्टेट विल बी 0101. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यूए नेक्स्ट. इन द सेम वे वट एवर द प्रेजेंट स्टेट वैल्यू ऑफ क्यूए, इफ यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ क्यूबी नेक्स्ट. यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 1100, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यूबी नेक्स्ट. ठीक है, अब इससे मतलब क्या हुआ, व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इफ एट प्रेजेंट दिस इज जीरो एज वेल एज दिस इज ऑल्सो जीरो, देन द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर वन क्लॉक पल्स विल बी, सो दिस विल बी हैविंग अ वैल्यू, सो देन द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ऑन द नेक्स्ट क्लॉक पल्स विल बी, दिस वैल्यू विल बिकम जीरो एंड दिस वैल्यू विल बिकम वन. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर अभी यहाँ पर जो आउटपुट है वो जीरो जीरो है, तो जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो कितना होगा आपके पास, जीरो एंड दिस विल बी वन. ठीक है, इन द सेम वे यू कैन सी दैट व्हाट इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ देम, अगर मैं ऐसा कुछ ऐसा बोलता हूँ, लेट अस से इफ आई से द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूए, क्यूए की प्रेजेंट वैल्यू जीरो है और क्यूबी की प्रेजेंट वैल्यू वन है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, दैट मीन्स आफ्टर वन क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स के बाद द वैल्यू ऑफ क्यूए विल बिकम वन, क्यूए की जो वैल्यू है वो वन बन जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ क्यूबी विल ऑल्सो बिकम वन. सो आफ्टर वन क्लॉक पल्स दिस विल बी देयर वैल्यू, दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से. तो मैं कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. जो काउंटर्स वाला टॉपिक है, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइज द काउंटर टॉपिक विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जस्ट फॉलो थ्रू माई लेक्चर्स. Even if sometimes it may feel hard, sometimes it may feel like you're not able to understand, don't worry about it. Just follow through my lectures. You will understand and learn everything step by step. Okay? So right now you can see what's the present value. If I say the present value of Q and QB is 0, 0, then the next value will be 0, 1. So the agli value hai dono ki, wo banegi 0, 1. And if the present value is 0, 1, the next value here it will be 1, 1. तो प्रेजेंट वैल्यू अगर 0, 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, 1, 1. इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 1, 1, द नेक्स्ट वैल्यू इज 1, 0. अगर प्रेजेंट वैल्यू 1, 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 1, 0. इन द सेम वे इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 1, 0, देन द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0, 0. तो देख सकते हैं कि काउंटर्स की जो वैल्यूज है वो किस तरीके से चेंज हो रही है. सो इफ द वैल्यू इज 0, 0, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0, 1, राइट. इन द सेम वे नेक्स्ट वैल्यू विल बी 1, 0, नेक्स्ट वैल्यू विल बी एंड सो ऑन. सो इन दिस मैनर these values will be changing. तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे, if you look at it here, अगर आप थोड़ा सा इसको focus करके समझने की कोशिश करेंगे, you will find out that this is representing a decimal value 0. This is representing a decimal value 1. This is representing a decimal value 3. And this is representing a decimal value 2. यानी कि हमने 4 counting करी. Doesn't matter what is order. Order matter नहीं करता. Right? Order matter नहीं करता. But we have counted up to 4. Right, 0, 1, 2, 3, 4. I mean 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3. So that means total of 4 numbers. यानी कि 4 numbers हमने count की. वो numbers किस order में count की है ये matter नहीं करता. Only thing that matters is how much you have counted. I mean how many states you have. अब इन states के अंदर देखो, ये जो states हमारे पास बनी है, so we can tell a lot of things about this counter just by looking at this state. जैसे मैंने आपको दो terminologies से introduce कराया था. The first terminology is whether the counter is self-starting. आपका जो counter है वो self-starting है या फिर नहीं है. Second is whether the counter is free-running. आपका जो counter है वो self-starting है या फिर free-running है. तो मैंने आपको ये दो terminologies यहाँ पर बताई थी. If you go back to this terminology, you will find out what is free-running. A counter is said to be free-running if it contains all the possible states in the loop. तो जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पर, टोटल कितनी स्टेट्स हैं आपके पास, 4 स्टेट्स हैं. तो बिकॉज ऑल ऑफ दीज 4 स्टेट्स आर कमिंग इन द लूप, सभी 4 स्टेट्स यहाँ पर लूप पर आ रही है, दैट इज वाई दिस काउंटर इज फ्री रनिंग. ये जो काउंटर है आपके पास फ्री रनिंग है, दिस काउंटर इज फ्री रनिंग. एंड सेकेंड वी हैव द टर्मोलॉजी ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग. सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी स्टेट से एंटर करें, डजंट मैटर वट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द आउटपुट्स, डजंट मैटर वट इज द इनिशियल वैल्यू. You can enter from any state. By entering from any state, if you can come in this loop, आप loop के अंदर अगर आ सकते हैं किसी भी state से enter करने के बाद, then we call that the counter is self-starting. तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो counter है वो हमारा self-starting counter है.
Let me give you one more example. Let us assume that you have loop something like this. आपके पास loops के अंदर कुछ ऐसी state है. In a counter, you are getting a loop like this. Okay? And here some states are designed like this. Okay? So how many states are these? These are total of 7, and this is your 8. Okay, so you in some counter you might get some kind of states like this. So it can you can have any numbers, right? You can have 1, 5, 2, 3, 4, 6, 7, and maybe you have a number 0, right? So aisa kuch ho sakta hai. These represents the binary decimal values. Now, ab yahan par aap check kar sakte hain, there are total of how many 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are total of 8 states. Okay. सो ईच ऑफ दीज स्टेट्स आर कनेक्टेड. अब सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो काउंटिंग है, क्या ये काउंटिंग आपकी सेल्फ स्टार्टिंग है कि नहीं है? क्या ये काउंटिंग सेल्फ स्टार्टिंग है कि नहीं? सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि इनिशियली आप किसी भी स्टेट के अंदर अगर ड्रॉप कर दिए जाए, इनिशियली इफ यू आर ड्रॉप्ड एट एनी गिवन स्टेट विल यू बी एबल टू कम इन दिस लूप और नॉट? जैसे इफ आई ड्रॉप यू एट द स्टेट 0, विल यू बी एबल टू एंटर दिस लूप? डेफिनेटली यस. If I drop you at the state 6, will you be able to enter in this loop? Definitely yes. If I drop you at state 1, will you be able to enter in this loop? Definitely yes. So if I can drop you at any state whatsoever, if you are able to enter in this loop, then I can say the counter is a self-starting counter. तो उस केस में हम बोलेंगे जो काउंटर है वो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर है. Secondly, free running counter. Free running counter means जितनी भी यहाँ पर states mention है, if all of these states are coming in a loop, then I can say the counter is free running. So you can see all of these states are not coming in the loop. Here 0, 6 and 7, they are not the part of the loop. 0, 6 or 7, ye jo states hain wo loop ke part nahi hai. That is why this counter is not free running. Ye jo counter hai, ye self starting hai, lekin ye jo counter hai, ye free running nahi hai. So in this manner you can understand when can I say the counter is self starting and when can I say the counter is free running. Okay, let me take one more example of a counter, then lot of things will get cleared. Okay, so the previous example that I have taken, that example was of synchronous counter, and this is, in this case I'm taking an example of asynchronous counter. So again, as I said, lot of things will get cleared because of this. Kafi cheeze hain jo yahan par clear hogi, and you will learn a lot of things because of this. So obviously try to focus here, because this is going to be very difficult as compared to the previous example. Previous example was easy, usko samajhna bahut asaan tha, but understanding the asynchronous counter, it is little difficult, because isme do teen cheeze involve hoti hain. We even involve the clock frequencies, we even involve the truth table. So that is why understanding this will become little difficult. To hum log step by step samajhne ki koshish karte hain. I'm not using any presentations and ppts for this. I wanted to explain this to you step by step in a proper manner. So that is why I have created it like this. Okay, so first of all, so this is Q0, Q1 and Q2. So here this Q0 is representing your LSB and this Q2 is representing your MSB. So basically jo aapki sabse pehla flip flop hota hai, in the flip flop where we give this clock pulse, the first clock pulse, that generally acts as a LSB, and here this acts as a MSB. So I'm going to write it in this manner. So this is Q0, this is Q1, and this is Q2, and this is going to represent their present state. Yahan par ye inki present state ko represent kar, this is representing the present state. In the same way, I can also represent it Q0, that is the next state, Q1n, that is the next state, Q2n, that is the next state. So it is representing the next states. ये इनकी next states को represent कर रहा है. So try to understand it properly. थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, because this is going to be little tricky. थोड़ा सा tricky रहेगा. Even though the diagram looks very simple, because we have given the same data to all of them as an input. यहाँ पर सभी जो T flip flop है, हमने सबको same data दिया है. All of them are getting the data is 1. Correct? सबको हमने data 1 दिया है. So obviously it will be little tricky to understand. So initially when I haven't started it, jab tak maine isko start nahi kiya hai, initially the current values of Q0, Q1 and Q2 I do not know. So I have to assume what are the possible current values of Q0, Q1 and Q2. So
initially the values are can be 000, it can be 001, it can be 010, it can be 011, 100, 101, 110, 111. Okay, so let me give a division here, because by division it will be easier for us to understand. थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए समझना. सो आई एम गोइंग टू बी वेरी स्लो. मैं काफ़ी स्लो रहूँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आए. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सब कुछ समझा के जाऊँ. ठीक है, अब ध्यान दो, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ योर सिंक्रोनस काउंटर, बिकॉज ऑल ऑफ योर सिंक्रोनस काउंटर्स आर सिंक्रोनाइज्ड और गवर्न्ड बाय द सेम क्लॉक पल्स, दैट इज वाई सबकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है, दे वर्क ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी. बट हियर दिस असिंक्रोनस काउंटर, दिस असिंक्रोनस काउंटर्स आर नॉट गवर्न्ड बाय द सेम क्लॉक. हम इसको सेम क्लॉक से गवर्न नहीं कर रहे हैं, बट रेदर दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. सो दैट इज वाई द क्लॉक ऑन विच दे आर गोइंग टू वर्क, दैट विल ऑल्सो चेंज. आपकी जो क्लॉक है वो भी यहाँ पर चेंज होगी. ओके, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स ऑल्सो. सो लेट अस यूज इट दिस वे. आई डोंट हैव एनफ स्पेस, सो आई ट्राई टू यूज द स्पेस मोस्ट एफिशिएंटली, आई मीन एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्लॉक. ये जो है ये आपकी क्लॉक पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. सो यू कैन सी इन द फर्स्ट क्यू नॉट, द क्यू नॉट की जो इनिशियल वैल्यू है, द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू नॉट वॉज जीरो एंड द इनपुट गिवन वॉज वन. इनपुट वन दिया था टॉगल फ्लिप फ्लॉप के अंदर. सो वट दिस टॉगल फ्लिप फ्लॉप विल डू, इट विल फ्लिप द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट. अगर क्यू नॉट की वैल्यू जीरो थी, द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ क्यू नॉट विल बिकम वन. वन क्यू नॉट की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वन हो जाएगी, राइट. सो इन एवरी स्टेप, बिकॉज हियर यू नो यू कैन सी इफ द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ क्यू नॉट विल बी वन, एवरी स्टेप हम यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप को इनपुट वन दे रहे हैं. सो एवरी स्टेप दिस वैल्यू विल ऑलवेज फ्लिप. जैसे अगर यहाँ पर वैल्यू वन थी तो वन का जीरो हो जाएगा. सो दिस इज स्पेशली फॉर क्यू नॉट, ये सिर्फ क्यू नॉट के लिए बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, राइट. सो हियर इफ द वैल्यू वॉज जीरो इट विल बिकम वन, इफ द वैल्यू वॉज वन इट विल बिकम जीरो, इफ इट इज जीरो इट विल बिकम वन, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो, इन दिस मैनर. एंड देन वैन वी टॉक अबाउट क्यू वन, अगर हम क्यू वन की बात करेंगे, देन यू कैन सी दिस क्यू वन. नाउ दिस इज अ ट्रिकी पार्ट, ये एक ट्रिकी पार्ट है. यू विल सी दैट दिस क्यू वन, दिस फ्लिप फ्लॉप डी वन इज डिपेंडेंट ऑन क्यू नॉट. ये जो टी वन जो है वो क्यू नॉट की वैल्यू पर डिपेंडेंट है. एंड दिस इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि जब भी Q1 का जो आउटपुट होगा, वेन एवर द आउटपुट ऑफ Q1 चेंजेस फ्रॉम 0 टू 1, दैट इज अ पॉजिटिव एज. बट वेन एवर इट इज चेंजेस फ्रॉम 1 टू 0, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव एज. अगर 1 से लेकर 0 पे चेंज होता है, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव एज. लेट मी एक्सप्लेन. देखो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव एज. ये जो फ्लिप फ्लॉप है, दिस फ्लिप फ्लॉप इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. ओके, नाउ इफ यू कैन लुक एट दिस दीज क्लॉक पल्सेस, तो जो ये जो फ्लिप फ्लॉप है टी वन, दिस विल ओनली वर्क ऑन दिस नेगेटिव एज. एंड बिकॉज दिस इज गिवन बाय क्यू नॉट, राइट, दैट मीन्स वेन एवर दिस क्यू नॉट विल चेंज फ्रॉम 1 टू 0, जब भी ये जो क्यू नॉट है वो 1 से लेकर 0 पे चेंज होगा, देन ओनली दिस क्यू वन एन विल वर्क, देन ओनली क्यू वन एन विल चेंज, अदरवाइज क्यू वन एन विल रिमेन द सेम. क्योंकि अगर ये 1 से लेकर 0 पे चेंज होगा, दैट मीन्स दिस आउटपुट चेंज फ्रॉम 1 टू 0, सो दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव एज. वो एक नेगेटिव एज है, करेक्ट, अंडरस्टूड. सो लेट मी ड्रॉ इट हियर, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट हियर, देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, दिस क्यू नॉट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव एज. सो यानी कि जो क्यू वन की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ क्यू वन विल रिमेन द सेम. बट हियर इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 0, ये 1 से लेकर 0 पे चेंज हो रही है क्यू नॉट की वैल्यू, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव एज. ये एक नेगेटिव एज है. सो देयरफॉर बिकॉज इट इज अ नेगेटिव एज, दैट इज व्हाई दिस वैल्यू ऑफ क्यू वन विल चेंज फ्रॉम 0 टू 1. इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 पे चेंज होगी. ओके, एंड इफ यू लुक एट दिस वैल्यू हियर, सो क्यू नॉट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, दैट इज अ पॉजिटिव एज. सो पॉजिटिव एज मीन्स दिस वैल्यू रिमेन द सेम. एंड हियर
इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, ये जो है ये 1 से लेकर 0 पर चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव एज, देयरफॉर दिस 1 विल चेंज टू 0. अंडरस्टूड? नाउ सो नाउ अगेन ट्राई टू सी हियर, सो इट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, इट इज अ पॉजिटिव एज, सो दिस विल रिमेन द सेम. 1 टू 0 इट इज अ नेगेटिव एज, सो दिस वैल्यू विल चेंज फ्रॉम 0 टू 1. अगेन 0 to 1, it is a positive edge, so it will remain the same. So 1 to 0, it is a negative edge, therefore this will change from 1 to 0. Okay, so this flip-flop will only toggle, ye flip-flop se tabhi toggle karega, jab ye jo Q0 ka output hai, wo 1 se lekar 0 pe change hoga. If the previous output was 1 and the next output is 0, then only this T1 flip-flop will work, otherwise it will not work. Otherwise ye kaam nahi karega. Okay, the same thing applies for T2. Whenever this Q1 output changes from 1 to 0, अगर present state आपकी 1 थी और next state आपकी 0 है, then only this T2 work, otherwise this T2 will not work. Understood? Right? So let me explain this again. So I'll try my best. देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. And if you get any doubt, please ask me. Please मुझे अपडेट जरूर कीजिएगा. So here you can see, this Q1 is changing from 0 to 0. There is no change. मतलब कोई भी change नहीं हुआ है. So that means this value will remain the same. It is changing from 0 to 1. 0 to means 1 means it is a positive edge. Ye jo Q1 ki value hai, wo pehle 0 thi aur ab jo nayi value hai wo 1 ho gaya. That means it is a positive edge. Ye ek positive edge hai. So positive edge means this value will again remain the same. And this is from 1 to 1. Ye 1 se lekar 1 mein hi raha. There is no change. So again it is 0. And it is 1 to 0. Yahan par ye 1 se lekar 0 mein change hua hai. So you can clearly hear it changed from 1 to 0. So that means it is a negative edge. So this value will change to 1. Ye jo value hai, ye 1 mein change ho jayegi. Again 0 to 0, no change. Again 0 to 1, positive edge. So no change. Again 1 to 1, no change. But 1 to 0, yahan par ye 1 se lekar 0 mein change hua hai. Therefore this value will change from 1 to 0. To ye jo value hai, 1 se lekar 0 pe change hogi. Okay? So if you look at this entire thing, अगर इस पूरे को आप check करेंगे, if you look at this entire thing, तो इसे आपको क्या समझ में आएगा? What will you understand? This is initially Q0. ये Q0 है, this is the output Q0. So initially, if Q0 is 0, अगर वो initially 0 है, it will remain 0. But as soon as this negative edge will come, ये जो Q0 है, वो 0 से 1 में change हो जाएगा. It will be 1. Until this negative edge, जैसे ही अगली negative edge आएगी, it will change from 1 to 0. Because initially the output here is, input is always 1. यहाँ पर जो input है वो हमेशा 1 है. Because input is always 1. So in every negative edge, it will always flip. तो जो भी आपकी negative edge आएगी, ये हमेशा वहाँ पर flip करेगा, Q0. If you look at Q1, अगर आप इस Q1 को check करेंगे, this Q1 is dependent on Q0. So that means जब भी Q0 की negative edge आएगी, whenever Q0 is having a negative edge, then only it will flip. If the initial value of Q1 is 0, then on this negative edge, it will change from 0 to 1. On this negative edge, it will change from 1 to 0. In the same way, when you talk about Q2, अगर आप Q2 की बात करेंगे, so it will only change whenever this negative edge will come. So initially if it is 0, it will change to 1 here, and then again, it will look for a negative edge. दोबारा से वो एक negative edge को देखेगा. So you can see, अगर frequency आपकी, if some frequency was given, so if the initial frequency, let us assume it is 100 megahertz, आपकी जो frequency है, वो 100 megahertz की है, clock की है, initial clock frequency is 100 megahertz. That means to this first flip-flop, the frequency given is 100 megahertz, but because this is given as a clock to this T flip-flop, और इसकी जो frequency है, वो exactly half हो रही है. What is the frequency? Frequency is number of oscillations per unit time, right? Or you can say in 1 second, how many ups and down, how many oscillations are it is doing. So correct? Or you can say frequency is 1 upon time period. If you remember it, agar aapko yaad ho, to frequency kya hota? Frequency is 1 upon time period. And what is the time period? Time period is jahan se lekar yahan se, for example, yahan se lekar aur yahan tak. After this time period, it is repeating itself. The signal is repeating itself. To usko hum bolte hain time period. Okay? So you can see, if initially the clock was working on 100 megahertz, so this, according to this Q0, this will only work as at 50 megahertz. Ye sirf 50 megahertz pe kaam karega, because it is dependent on T0. And then this will only work at 25 megahertz. Ye sirf 25 megahertz pe kaam karega.
सो बेसिकली दैट इज वाई जो फ्रीक्वेंसी है, इफ़ यू एड वन मोर फ्लिप फ्लॉप दैट विल बिकम हाफ ऑफ 25 मेगाहर्ट्ज़, तो 25 मेगाहर्ट्ज़ का भी हाफ हो जाएगा. इन दिस मैनर द फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो रिड्यूस. सो बेसिकली इफ़ यू हैव सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स, सिंक्रोनस काउंटर्स, इन ऑल ऑफ योर सिंक्रोनस काउंटर्स योर frequency is always the same. So because frequency is same, so obviously the output generation will be easier, output generation will be fast. But when you have asynchronous counter, in your asynchronous counter, the output of the first flip-flop will be given as an input to the next, right? I mean, the clock output of the first flip-flop will be given as a clock to the next. Output of this flip-flop will be given as a clock to the next, right? So because inka jo output hai, wo clock banta hai. Because of that, the frequency reduces in every step. Har ek step mein jo frequency hai, वो हाफ हो जाएगी इन योर यू नो दिस काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. यानी कि जो आपका असिंक्रोनस काउंटर है वहाँ पर आपकी जो जो फ्रीक्वेंसी है वो हर एक केस में हाफ हो जाएगी. ओके, नाउ दिस वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर. यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट मी शो यू दैट. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दिस. ओके, सो देयर इज समथिंग मोर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हियर. If you look at these states, अगर आप इन सभी states को देखेंगे तो initial state was 0, 0, 0. पहली जो स्टेट थी वो 0, 0 थी. फ्रॉम 0, 0, 0 आई विल मेंट टू द स्टेट 0, 0, 1. अब अगर हम 0, 0, 1 स्टेट पर है, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू द स्टेट 0, 1, 0, 0, 1, 0. इफ आई एम प्रेजेंट एट द स्टेट 0, 1, 0 देन आई एम गोइंग टू द स्टेट 0, 1, 1. करेक्ट. एंड इफ आई एम प्रेजेंट एट द स्टेट 0, 1, 1 देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज 1, 0, 1, 0. And if I am present at the state 100, the next state is 101. जो next state है यहाँ पर वो 101 है. Again, from 101, the next state is 110. It is 110. And from 110, the next state is 111. And from 111, the next state is 000. You can see all of these states are coming in the loop. ये सभी state जो है वो loop पर आ रही है. And how many states are present in the loop? In this loop, there are total of 8 states. So that means this flip-flop, this asynchronous counter, I mean this asynchronous counter is basically a mod 8 counter. If I say flip-flop, I think sometimes I want to say counter, but again, by mistake, I'm saying flip-flop. So I'm recording this video at like 2 a.m. So right now, because of some sleep, so I'm having this, so I'm just quoting the words misleadingly. I mean, I want to say counters, but by mistake I'm calling it flip-flop. So it's a problem. So I'll try my best ki aise mistakes na ho. So but again, look at it here. Yahan par aapke paas total 8 states hain. So and all of these states are coming in one loop. So this counter is both self-starting, it is also free running. As well as it is a mod 8 counters because there are 8 states which are coming in the loop. Loop ke andar 8 states aa rahe hain, that is why it is a mod 8 counter. So I hope that you understood this. So the previous example that I have taken, that was little difficult or little tricky. So again I'm explaining this one more example, and this is also an asynchronous counter. Okay, and in this counter we are only using 2 T flip flop. Yahan par hamare paas sirf 2 T flip flop hai. And let us try to identify what is the modulus of this counter, यानी कि हमारे पास कितनी counting states होंगी, whether it is a free running or it is a self starting. क्या ये free running है और क्या ये self starting है या फिर नहीं है. We'll try to identify this. ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, we have two states, we have T0, I mean two counters, that is T0 and T1. So the outputs are Q0 and Q1. So I'm going to represent Q0 here. This is representing Q1. Okay, and this is representing your present state. ये आपकी present state है. And your next state will be Q0 next, and this is Q1 next. And initially, I do not know what is the initial value of Q0 and Q1. मुझे Q0 और Q1 की initial value नहीं पता. So I'm going to assume some combination of initial values. So they can have value 0, 0, or they can have values 0, 1, or they can have values 1, 0, or they can have values 1, 1. तो इसमें से कोई भी value यहाँ पर हो सकती है. Now, for this T0 flip-flop, the clock is given. So obviously T0 is representing the least significant bit, right? So because यहाँ पर जो clock given है, so I'm going to change the output of Q0 to Q1 based on this clock. So obviously, because input, the input to both of these flip-flop is given as 1, तो दोनों flip-flop पे जो input है वो 1 given है. So that is why
it will toggle. So that means this Q0 will toggle from 0 to 1, it will toggle from 1 to 0, from 0 to 1 and from 1 to 0. Okay, and you can clearly see this clock is your positive edge triggered flip-flop. Ye jo flip-flop hai, ye aapka positive edge triggered hai. So it is not negative edge triggered. So because this flip-flop is your positive edge triggered, to kya hoga? Jab bhi aapke paas ek positive edge aayegi, that means 0 will change to 1, as well as here also, 0 will change to 1. So whenever there is a positive edge, then only this flip-flop will work, otherwise this will not work. Right? So here we have two positive edges. So in those positive edges, this 1, 0 will change to 1. This 0 will remain 0 because this is not a positive edge. This 1 will change to 0 and this 1 will remain 1. So kuch aapke paas yahan par aisa rahega. Okay? Clear hai yahan par? So again look at it here. Agar aap yahan se fir se dhyan se check karenge. So again look at it. So what is happening? Yahan par ho kya raha hai? If you look at, if your present state is 0, 0, agar aapki present state 0, 0 hai, then your next state is 1, 1, okay? And if your present state is 1, 1, then your next state is 1, 0. Aapki jo next state hai, wo 1, 0 hai. If your present state is 1, 0, then your next state is 0, 1. And if your present state is 0, 1, then your next state is 0, 0. So that means 4 states are coming. यहाँ पर चार स्टेट्स आ रही है एंड ऑल द फोर स्टेट्स आर इन द लूप. जितनी भी यहाँ पर रोज होती हैं दे रिप्रेजेंट अ स्टेट, राइट? सो हियर समटाइम्स इट कैन हैपन दैट इवन इफ वी हैव 8 रोज, ऑल ऑफ 8 स्टेट्स विल नॉट कम इन लूप. ऐसा भी हो सकता है. विल टेक मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस, बट हियर यू कैन अंडरस्टैंड, हियर यू कैन ट्राई कि यहाँ पर जो आपके पास 4 स्टेट्स है, ऑल ऑफ दीज 4 स्टेट्स आर कमिंग हियर. So basically this counter is both self-starting as well as it is also free running. ये जो counter है ये self-starting भी है और साथ साथ में ये free running भी है. Okay, so I hope that you understood. आपको ये समझ में आया होगा. I'll take few more examples, then you will understand it in more clear details. Okay. Now here you can see this time I've taken a very different kind of diagram. Instead of taking a D flip-flop or instead of taking a T flip-flop, I'm using a JK flip-flop. So obviously the complexity of the question will increase. And secondly, I've made one more changes here, that instead of clocking this flip-flop from Q0, I'm clocking this flip-flop from Q0 complement. Hum isko Q0 complement ke saath clock kar rahe hain. And but to make things simple, maine kya kiya yahan par, in both J and K, I'm giving same input and the input is 1. Here also, in both J and K, I'm giving the same input, the input is 1. And if you remember it, you will remember that in both J and K, if input is same, agar aap J aur K mein same input dete hain, yani ki dono ki values agar aap 1 dete hain, so in that case, what happens? Us case mein kya hota hai? JK flip-flop acts as a toggle flip-flop. It always toggle the current values. Ye values ko toggle karta hai. So basically, indirectly, I'm only giving a toggle flip-flop. Indirectly, main yahan par toggle flip-flop hi de raha hun. But just to confuse you guys, what I've done, I've given JK, मतलब JK को mention किया, but indirectly I'm giving a toggle because in both J and K I'm giving input as 1. So it will behave like a toggle flip-flop only, right? So let us assume what is the initial values of Q0 and Q1. This is Q0 and this is Q1. Okay, so the initial values can be 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Again, this is Q0 next and this is Q1 next. ठीक है? तो जो सबसे पहला आपका फ्लिप फ्लॉप है, द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप हियर, दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है आपके पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. सो द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल रिवर्ट, और कैन से इट विल फ्लिप आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स. यानी कि जो इसका आउटपुट है Q0 का, इट विल चेंज फ्रॉम 0 टू 1 हियर. अगेन इट विल चेंज फ्रॉम 1 टू 0, फ्रॉम 0 टू 1, फ्रॉम 1 टू 0. क्लियर? इतना क्लियर आप सभी के साथ? नाउ this is a tricky part. Q1 का जो output है वो tricky part है. Why? This flip flop here, this flip flop is your positive edge triggered. But I am giving Q0 complement as a input. क्या input दे रहा हूँ मैं यहाँ पर? Q0 complement. So that means whatever the value of Q0 is, जो भी Q0 की value है, उसका जो opposite है, that I am giving as a input. Correct? So if the initial value of Q0 is 0, right, then here it is 1, right? So agar main iska Q0 complement lunga, so that means it is 0 and it is
यू नो इट इज़ वन एंड इट इज़ ज़ीरो. तो यानी कि मैंने इसको somehow आई हैव चेंज्ड दिस फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड टू नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. राइट, क्यों ऐसा किस वजह से? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट को देता इट विल वर्क फाइन, इट विल बी लाइक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ओनली. बट हियर इंस्टेड ऑफ गिविंग क्यू नॉट आई एम गिविंग क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, मैं इसको क्या दे रहा हूँ यहाँ पर, क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट. और फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज लेट मी ऑल्सो राइट दीज वैल्यूज आके आपके लिए आसान रहे. सो आई एम राइटिंग क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट हियर. दिस इज क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज क्यू नॉट नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट. ये उसका नेक्स्ट का कॉम्प्लीमेंट है. सो दिस वैल्यू विल बी 1010 एंड दिस विल बी 0101. ठीक है, नाउ कैन सी व्हेनेवर देयर इज अ पॉजिटिव एज. पॉजिटिव एज कहाँ कहाँ पर है? हियर देयर इज अ पॉजिटिव एज. यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव एज है, एज वेल एज हियर ऑल्सो देयर इज अ पॉजिटिव एज. सो जब भी आपके पास पॉजिटिव एज है इट विल फ्लिप. सो हियर इट विल बी रिमेनिंग द सेम बट हियर इट विल फ्लिप फ्रॉम 0 to 1. Here it will remain the same. From here it will flip from 1 to 0. So this will be the next state. Now if you look at it here, you will identify that from 0, 0, I'm moving to 0, 1. And from 0, 1, I'm moving to 1, 0. And from 1, 0, I'm moving to 1, 1. And from 1, 1, I'm moving to 0, 0. Again, this flip-flop here, it is a self-learning and it is also free running and self starting, as well as this flip flop is also a mod 4 flip flop. So whatever flip flop I've done, so I've taken very basic examples of flip flop ताकि आपको समझ में आए कि मतलब whatever counters I've done, so I've taken very simple examples of counters ताकि आपको समझ में आए कि counters क्या होते हैं. Now I'll try to take few counters which are not free running as well as they are not self starting. तो हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेंगे. सो आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट अ लिटिल आइडिया रिगार्डिंग काउंटर्स. लेट मी टेक मोर एग्जांपल्स हियर एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू डिज़ाइन योर ओन काइंड ऑफ काउंटर्स. आप अपने तरह के काउंटर्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज. मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो काउंटर्स है, वी हैव द फॉलोइंग काउंट ऑफ काउंटर्स. मैं आपको सबसे, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर इट हियर, सो आई टोल्ड यू दैट वी हैव टाइप्स ऑफ काउंटर. One is synchronous counter, second is asynchronous counter. So far, you know what is synchronous and you know what is asynchronous, but you do not know what is the meaning of ring counter, what is the meaning of Johnson's counter. Ring counter, Johnson's counter mein difference kya hai? What is the difference between up counter as well as a down counter? In mein difference kya hai? Let us try to understand the difference in the next video.